झारखंड में बीजेपी की सरकार की विदाई के बाद से लालू के अच्छे दिन लौट आए हैं। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने रिम्स में मजलिस बैठाना शुरू कर दिया है। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही रिम्स में हर दिन लालू यादव का दरबार सजने लगा है। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं। यहां पिछले दो सप्ताह से हर दिन बिहार झारखंड के छोटे बड़े नेता उनसे मिल रहे हैं और राजनीतिक सियासत पर उनसे परामर्श ले रहे हैं। बताया जाता है कि लालू यादव के जनता दरबार लगने की जानकारी जेल प्रशासन को भी है, लेकिन वो मौन है, क्योंकि बिना जेल प्रशासन की अनुमति के लालू यादव से कोई मिल नहीं सकता। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव से बिहार के कुछ कारोबारी और नेताओं ने मुलाकात की। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर दावेदार अपनी टिकट पक्की करवाने को लेकर लालू दरबार में हाजिरी लगाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत के बाद एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें लोग बिना किसी की अनुमति के लालू यादव से मिल रहे थे। लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। उन्हें 42 माह की सजा सुनाई गई है, इनमें से वो 26 माह जेल में बिता चुके हैं। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।